अब हम लोग जो है इसको कढ़ाई में डालेंगे। ठीक करके सारे मिर्ची जो है इसके अंदर डालेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आप सबके साथ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम लोग बनाने वाले हैं मोटी वाली मिर्ची का अचार। इसके लिए आप लोग इस तरह की मिर्ची ले सकते हैं। देखिए मैंने जो है मिर्ची को धो के रखा हुआ है और इसको पोंछ भी लिया है। आप इसे इस तरह की मिर्ची ले और उसे आप धो लें और धोने के बाद उसे सुखा लें। मैंने इधर कढ़ाई रखा हुआ है और हम लोग कढ़ाई में जो है थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा राई को जो है भूनेंगे। ये मैंने सौंफ और राई ले रखा है, इसको मैं भूनूंगी हल्का तक को भूनेंगे हम लोग। इसको हमें भून करके ठंडा करके मिक्सी में हमें पीसना है ताकि जो है हम इसको भर सके मिर्ची के अंदर। ये हमारा भून चुका है, अब हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे और निकाल के हमें जो है इसे ठंडा करके और हमें पीसना है। हम सेम कढ़ाई का यूज करेंगे। इस कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी ऑयल, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है सरसों का ऑयल खाते हैं तो हम वही यूज करेंगे। मिर्ची में इस तरह से कट लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम जो है ऐसे करके स्टफिंग करेंगे। देखिए इस तरह से जो है मैंने सारी मिर्ची को है जो कट कर लिया है। देखिए इस तरह से इसको हम मिर्ची को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है हम लोग सबसे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने लिया है बेसन। ये हमारी जो मिर्ची है जो एक पाव मिर्ची थी ये मैंने बेसन ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी वो जो हम लोगों ने पीसा था राई और सौंफ को जो हमने भून करके पीसा था, ये वो वाला पाउडर है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अचार है तो इसमें नमक थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ताकि हम इसे अच्छे से खा सकें। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ये नमक है, ये मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। ये जो है रेड चिली है। ये वाली जो मिर्ची होती है वो तीखी तो होती नहीं है, इसलिए हम जो है इस वाली मिर्ची का यूज कर सकते हैं। मिर्ची भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आपको ज्यादा तीखी चाहिए तो आप ज्यादा मिर्च डालें, कम चाहिए तो कम डालें। ये है धनिया पाउडर। यह है गरम मसाला। इसमें डालेंगे हम आमचूर। अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन का टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। हम डालेंगे इसमें अजवाइन और कलौंजी। इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। डाल दिया, ये सब कुछ डालने के बाद जो है हम इनको मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से।
ये जो मिर्ची है जो है हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, सब लोग बहुत खुश होकर इसको खाते हैं। आप भी इसे ट्राई करें पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज के साथ आप भी इसे खा सकते हैं। हम स्टफिंग स्टार्ट करेंगे। ये मिर्ची जो है इस तरह से इसको करेंगे, इसके अंदर ऐसे डालेंगे। हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग जो है इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये करके सारी मिर्ची जो है इसके अंदर डालेंगे। अब जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अभी हमने 2 मिनट के बाद इसे हमने इसका ढक्कन खोला है और हम जो इसको बरमटा कर देंगे इस तरह से। अभी हमारी मिर्ची हुई नहीं है तो इसको हम ढक देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए और बीच बीच में हम जो है चलाते रहेंगे। मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। आइए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए हमारा पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो है हमें कुछ इस तरह से ऐड करना है हाथ में लेकर के, और हमें जो है पानी के इसके ऊपर छींटे मारने हैं। हम काम इसके ऊपर छींटा मारेंगे ताकि जो हमारी जो मिर्च है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और हम इसे छींटे मारने के बाद हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आइए हम इसे चेक करते हैं मिर्ची को। देखिए हमारी मिर्ची जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो हम गैस को बंद कर देंगे बंद और मिर्ची को करते हैं सर्व। हमने गैस को जो है बंद कर दिया है। देखिए हमारी मिर्ची जो है रेडी है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। देखिए ये मिर्ची का जो कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसे खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इसे खिचड़ी के साथ ही ट्राई करने वाले हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें। आप बनाएंगे तो इससे भी बेटर आपका बनेगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।